आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं सात मरला ब्रांड न्यू मॉडर्न एलिवेशन में खूबसूरत सा। आए अंदर से। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें CNC का गेट लगाया गया स्टील का और एंटर होते साथ ही एक सेडान गाड़ी की स्पेस है इसमें ऐसा गैराज। और एंटर होते साथ ही हमें इसमें दो रास्ते मिलते हैं अंदर जाने के लिए, एक जाता है हमारा कॉरिडोर से होके ऊपर की तरफ और एक हमारी डायरेक्ट एंट्रेंस है ड्राइंग रूम से। आए हम उधर जाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत शैंडेलियर लगाया गया है और ये बॉक्स आपके ऊपर के फ्लोर को और ग्राउंड फ्लोर को सेपरेट भी करता है और इस स्टेयरकेस के नीचे एक आउटर रूम भी दिया गया है जिसके अंदर वाइट कलर से टाइल्स छत तक लगे हैं कि आपके गेस्ट को आपको बेडरूम में ना लेकर जाना पड़े। आए हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर दाखिल होते साथ ही हमें यहाँ पे एक कॉमन स्पेस जिसको आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं मिलता है, जहाँ पे हमें टीवी का पॉइंट पर खूबसूरत मीडिया वॉल मिलती है। टाइल की अगर हम बात करें तो 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल यहाँ पे वाइट कलर में लगाई गई है। सीलिंग में यहाँ पे मोल्डिंग आपको नजर आ रही है काफी खूबसूरत किस्म की लगाई गई है इसके दरमियान में वॉलपेपर्स भी है। और छत पे अगर हम देखें तो शैंडेलियर वाइट और ब्लैक की कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट में उसके साथ आपको फॉल सीलिंग की खूबसूरत डिजाइन भी मिलती है। इसके साथ ही हमारी राइट साइड पर हम आए यहाँ पर ड्राइंग रूम है जिसकी एड्रेस बाहर से आ रही थी और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सिमिलर ग्रिल्स भी सारी इंस्टॉल्ड है, सेफ्टी ग्रिल्स भी, टाइल्स भी लगी हुई है, वॉल पेपर काफी खूबसूरत है और अगर फॉल सीलिंग को भी देखें तो उसमें भी लाइट वर्क भी बहुत आर्टिस्टिक तरीके से किया गया। तो सर आए हम इसके किचन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर किचन के अंदर ब्लैक ग्रे लाइट के टॉप्स हैं, आपकी सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड हैं, आपके जितने भी हुड है, एग्जॉस्ट है, कैबिनेट्स हैं, आपके सारे इंस्टॉल्ड हैं और अच्छी एक्सेसरीज का यूज किया है, कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, आपकी हर चीज प्लान है, आपके माइक्रोवेव की स्पेस, आपके रेफ्रिजरेटर की स्पेस, एवरीथिंग इज प्लान ओवर इट। अब हम मूव करते हैं यहाँ के बेडरूम की तरफ। पीछे की तरफ दो बेडरूम दिए गए हैं। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम जिसमें आपके लिए एक वॉर्डरोब, आपके लिए डेकोरेशन पीसेस वगैरह के लिए स्पेस और उसके अलावा आपकी एक थीम वॉल बहुत खूबसूरत वॉलपेपर के साथ इसको डिजाइन किया गया है। अगेन टाइल इसमें 2x4 की इसमें टाइल लगाई गई है। वॉलपेपर और अगर आप इनके डोर्स के फ्रेम देखें तो काफी खूबसूरत से बनाए गए हैं और फॉल सीलिंग भी सिमिलर डिजाइन में बनाई गई है। अगर हम बाथरूम के अंदर आए तो बाथरूम में आपकी कंसील एक्सेसरीज हैं और आपके ग्रेनाइट की पेनल्टीज है। आए हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। डे लाइट का आप इसमें देख सकते हैं काफी अच्छा यूज किया गया है। अगर आप यहाँ पे लाइट ऑन भी रखें तो डे लाइट इज सफिशियंट टू मूव अराउंड। अब हम आ गए यहाँ के दूसरे बेड में। ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है, इसके यहाँ भी डे लाइट का सोर्स है और सेकेंडली आपका जो बाथ है उसके अंदर आपके एक अच्छी कंसील्ड आपकी सारी एक्सेसरीज लगाई गई है, इवन आपकी वार्डरोब भी इसमें जो है वो कंसील्ड यूज की गई है जैसे आप हमारे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। सफिशिएंट स्पेस है इसमें, टेक्टाइल की शीट से ये वार्डरोब बनाई गई है और ग्रूव्स के साथ इसके हैंडल्स हैं जो यूटिलिटी में भी बहुत अच्छे हैं। आई फर्स्ट फ्लोर की तरफ काफी अच्छा घर है, थीम इसमें सिंपलिस्टिक है, ज्यादा कोई ओवर डिजाइन नहीं किया गया। दरवाजे आप देख सकते हैं इनके वुडन फ्रेम्स हैं और ग्लास वर्क इसमें काफी अच्छा है। अब ये आ गया इसका ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ब्लैक ग्रेनाइट की सारी स्टेयर्स है जिसमें आपका SMS CNC से काम किया गया और मोल्डिंग्स के साथ वॉलपेपर से इसको अच्छी तरह डेकोरेट किया गया। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ के टेरेस की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास अवेलेबल है। इस टेरेस के अंदर भी एक ग्राफिक का काम किया गया है, टाइल्स सारे इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप अपने दोनों पोर्शंस को अलग भी करना चाहें तो इसमें आपके पास एक बाउंड्री का स्पॉट भी मिलता है, आपको बिजली का पॉइंट भी मिलता है, पानी के पॉइंट भी मिलते हैं और इसके बिल्कुल सामने जो पार्क इस वक्त अनडेवलप्ड सूरत हाल में है लेकिन आपके पास एक वाइड स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम जैसे अंदर की तरफ जाते हैं अगेन वुडन फ्रेम्स के दरवाजे हैं जिसमें ग्लास वर्क का काम किया गया है
वो जिस तरह नीचे हमने देखा कि ड्राइव थ्रू था, इसी तरह ऊपर था पर हमें एक और बेड मिला, मतलब नीचे हमें तीन बेड मिले, यहाँ दो बेड मिले, यहाँ पे हमें तीन बेड मिल रहे हैं जिसमें हमें कंसील वार्डरोब इस तरह अगर हम आते हैं तो एक स्पेशियस सी वार्डरोब मिल गई, एक टाइम मशीन है और बेड कॉम्बिनेशन कास्ट की बात करें तो इसमें ब्लैक ग्रे का साइड से कॉम्बिनेशन है और वाइट और ब्लैक का एक वर्सल कंट्रास्ट है। और अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो उसके अंदर भी हमें एक बड़े तरीके से सिंपलिस्टिक से फॉल सीलिंग मिल रही है। अब हम बातें इसके पास करें, अब जैसे कि आपने देखा इसके पहले बार बात करके टाइल्स यहाँ पे छत तक इंस्टॉल्ड है, सीलिंग हाइट्स काफी अच्छी है और यहाँ पर सारी जैसे यूजली कंसील यूज की गई है, काफी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, इनका टाइम बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ के किचन हॉल पे, तो यहाँ का कॉमन एरिया भी यूज कर सकते हैं इनके ग्लासेस के साथ ग्रेडेंस, तो उसी तरह से आपका वॉल पेपर का काम अच्छा किया गया है। छत की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर भी स्टेप के अंदर आपकी वॉल से भी डिजाइन की गई है, बिल्कुल व्हाइट कलर में पेंट कर दे, उसके अंदर लाइट से भी काम एक खूबसूरत तरीके से किया गया, शेड एरिया काफी डिफरेंट टाइप। अब हम आते हैं आगे किचन की तरफ, किचन का सेमी अमेरिकन स्टाइल में दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी चीजें जिन्हें वो कैरी भी कर सकते हैं। सीधा ब्लैक ग्रेनाइट फ्लोर्स है, सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल है, इवन वुड फोम सारा कुछ इंस्टॉल्ड है, आपकी डे लाइट और वेंटिलेशन सफिशियंट है और आपके पास एक ह्यूज स्पेस भी है जिसके अंदर आप अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर की पीछे के दो बेड से, वॉलपेपर अगर हम देखें तो आपको यहाँ वॉलपेपर तकरीबन और आपका बड़ा तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया है, काफी खूबसूरत घर है, बिल्कुल फेसिंग पार्क घर है और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइनर ने इसको मैनेज किया। अब हम आते हैं यहाँ के थर्ड बेडरूम की तरफ, यानी कि हम थर्ड बेडरूम में इसमें भी जैसे आपको पता चल रहा है कि डे लाइट की सोर्स सफिशियंट है, आपकी पीछे की वॉल भी काफी अच्छी है, सिंपल और एलिगेंट आपकी इसमें सीलिंग यूज की गई है, टाइल अगेन 2x4 की इसमें लगी हुई है। और अगर हम इसके बाथरूम में हैं, इसके बाथरूम में भी सिंगल शटर टाइप टाइल और आपकी एक कंसील वार्डरोब इसके अंदर पहले से अवेलेबल है, वैनिटीज और बाथरूम में जैसे इस काफी अच्छी क्वालिटी के लगाई गई हैं, हमने फ्रेम भी देखे हैं काफी सॉलिड लगा है, लेकिन इन्होंने हर जगह पे ग्रे लाइट का ही यूज किया है, यदि इन्होंने मार्बल यूज नहीं किया। फैंस सारे इंस्टॉल्ड हैं, सारी एक्सेसरीज जो है आपको चाहिए होती है वो सारी इंस्टॉल्ड है। आइए हम मूव करते हैं छत की तरफ, या छत में नीचे की फ्लोर भी इसको कह सकते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ अकोमोडेशन मिल जाती है। अब जैसे हम छत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्टोरेज की स्पेस मिलती है और इसके साथ आगे जाते हैं, ये आगे हमारे पास वहाँ पे आपको ट्रेंड जाने मोस्ट भी नज़र आ रही होगी तो इसकी करीब ही है और कहाँ से इसको एंट्रेंस भी हमारे करीब से मिल जाएगी। अच्छा अब हम क्योंकि छत पे आ गए हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने इसको ऐसे सेकंड फ्लोर यूज़ किया है, यहाँ पर आपके लॉन्ड्री भी पॉइंट, उसके साथ आपको बिजली का पॉइंट कि आप इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। इन्होंने दो रूम दिए गए जिसमें इसको आप एज अ गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सर्वेंट क्वार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, अटैच बाथरूम विद वार्डरोब विद सफिशिएंट डे लाइट, अगेन टाइल्स की साइज भी अच्छी है, थीम अच्छी है, सिंपल गेट एलिगेंट इनकी फॉल सीलिंग है, फैंस इंस्टॉल्ड है, कोई चीज मिसिंग नहीं।
यहाँ पर अगर हम आते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो ये आपको एक स्टोरेज रूम दिया गया है। इस स्टोरेज रूम में एक सफिशियंट स्टोरेज है, जिसके अंदर आप अपने जो भी आपके सर्दियों के गर्मियों के जो भी आपने चीज़ें अपनी स्टोर कर ली हैं, आप इनमें बहुत कन्वीनियंटली सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह सारा कुछ इसमें इंस्टॉल्ड है। छत की अगर हम बात करें, छत के अंदर इन्होंने वाइट मार्बल लगा के बिल्कुल इसको कंसील किया है कि आपकी यहाँ पे सीपेज का कोई इशू नहीं आएगा, और काफ़ी खूबसूरती के साथ इसने इसको डिज़ाइन किया है। और ये घर जिस तरह आपको हमने शुरू में भी जिक्र किया कि फेसिंग पार घर है, और इसकी विसिनिटी काफ़ी अच्छी है कि साथ मरला का जो सबसे आबाद एरिया हमसे हमने उसके अंदर ये घर लोकेटेड है। जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद ऑप्शंस और मज़ीद चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।